जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने तिजारा और भिवाड़ी क्षेत्र का दौरा किया। कलेक्टर के साथ जिला चिकित्सा अधिकारी ओपी मीणा, तिजारा एसडीएम खेमाराम यादव, तिजारा तहसीलदार द्वारका प्रसाद शर्मा समेत कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर पहले तो भिवाड़ी के थड़ा गांव में बनाए गए कोविड राहत केंद्र पहुंचे। वहां उन्होंने कोरोना मरीजों के लिए की गई व्यवस्था की सराहना की। कलेक्टर ने कहा कि जो स्थानीय विधायक संदीप यादव ने अपने विधानसभा में कोरोना मरीजों के लिए तत्परता दिखाई है, वाकई में काबिले तारीफ है। वहीं जिला कलेक्टर ने इलाके में कंटेनमेंट जोन और जीरो मोबिलिटी घोषित क्षेत्रों की भी जानकारी ली। उधर ऑक्सीजन कंपनी अग्रवाल गैस एजेंसी का भी जायजा लेते हुए व्यवस्थाओं के बारे में सारी डिटेलिंग ली। पहाड़िया ने प्रॉनिंग सिस्टम को उत्तम बताते हुए कहा कि मरीज को ये प्रक्रिया अपनाने में ऑक्सीजन का स्तर लगभग 10% बढ़ जाता है। कोरोना संक्रमित इतने मरीज आ गए हैं कि अब जिला लेवल पर काफ़ी भार बढ़ गया है। जिला स्तर पर ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड और वेंटिलेटर बेड अवेलेबल नहीं है। यहाँ के एमएलए साहब ने, संदीप जी यादव साहब ने काफ़ी अच्छे प्रयास किए। इन्होंने तिजारा सीएससी, वहाँ का बीएससी नर्सिंग, इसी प्रकार से मैंने देखा टपुकड़ा और ये थड़ा वाला जो सेंटर है, इनके प्रयासों से बहुत अच्छा विकसित हुआ है। ऑक्सीजन गैस पाइपलाइन यहाँ डाल दी इन्होंने और लगातार डॉक्टर्स की व्यवस्था भी की हुई है। उधर खेड़ली कस्बा नगर पालिका द्वारा उपखंड अधिकारी के निर्देशन में की गई कार्रवाई के दौरान लोगों के चालान काटे गए। ये चालान सरकारी एडवाइजरी का पालन न करने को लेकर हुए। ये लोग दरअसल बिना मास्क के ही बेवजह ही सड़कों पर घूमते हुए नजर आए थे। पुलिस ने करीब करीब 7400 रुपए के चालान काटे हैं। कहा जा रहा है कि राज्य सरकार द्वारा रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा मनाया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा नई गाइडलाइंस के मुताबिक सुबह 11 बजे के बाद 5 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया, जिसके चलते सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी की अवहेलना करते पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करते हुए जो लोग नहीं मिले उन लोगों के चालान काटे गए। ऐसे 58 लोग बताए जा रहे हैं जिनके चालान हुए हैं। ये लोग दरअसल बिना मास्क के और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के वहां पर घूमते हुए नजर आए, जिसके बाद इन्हें रोका गया, इनका चालान काटा गया और आगे इन्हें सख्त नसीहत दी गई कि भविष्य में दोबारा ऐसी गलती ना करें। कोरोना का प्रभाव, कोरोना का जो प्रकोप है वो तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। ऐसे में हर एक शख्स को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। कहते हैं कि जीवन के अंतिम समय में अपनों का साथ बेहद जरूरी होता है। मृत्यु के बाद पुत्र, पिता या परिवार के लोग ही अंतिम संस्कार करते हैं, लेकिन वक्त का तकाजा देखिए, कोरोना संक्रमण ने अंतिम समय लोगों को अपनों से ही दूर कर दिया। कोरोना की भयावह स्थिति के चलते मृत्यु के बाद लोग परिजनों का शव लेने तक नहीं आ रहे। ऐसे में लायंस क्लब चैरिटेबल ट्रस्ट भिवाड़ी सिटी का मोक्ष वाहिनी का चालक शुभकरण एक बेटे और पिता की जिम्मेदारी निभा रहा है। कोरोना मरीजों को निःशुल्क खाना पहुंचाने के अलावा लावारिस और असहाय लोगों का अंतिम संस्कार भी कर रहा है। दरअसल लोगों के बीच इस समय काफी डर का माहौल है और इसी वजह से वो सामने नहीं आते हैं, अंतिम संस्कार के लिए भी मदद से इनकार कर देते हैं। वहीं कोरोना की दूसरी लहर बहुत ही घातक साबित हो रही है। कोरोना के मरीजों के आंकड़े तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना से मौतों का आंकड़ा कम होने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में लायंस क्लब चैरिटेबल ट्रस्ट ने भोजन से लेकर कोरोना में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी समेत गरीबों को मास्क और सैनिटाइजर्स भी निःशुल्क पहुँचाने का काम किया है और ये वाकई में काबिले तारीफ है। निःशुल्क मोक्ष वाहिनी कोरोना की दूसरी वेव में बहुत ही कारगर साबित हो रही है। लायंस चैरिटेबल ट्रस्ट के महासचिव डॉक्टर नवदीप गुप्ता ने बताया कि ट्रस्ट की ओर से संचालित मोक्ष वाहिनी केवल एक फोन पर ही हॉस्पिटल या फिर घर पर पहुंच जाती है। शुभकरण का कहना है कि उनके पास दिन भर कई फोन आते हैं। कभी हॉस्पिटल से शमशान घाट छोड़ने के लिए कहा जाता है तो कभी घर से शमशान घाट छोड़ने के लिए। उन्होंने कहा, हम कोशिश करते हैं सामने वाले के बताए समय पर मोक्ष वाहिनी उन तक उपलब्ध करवाया जा सके। भिवाड़ी सिटी लॉयस चैरिटेबल ट्रस्ट भिवाड़ी सिटी के माध्यम से कोविड मरीजों के लिए खाना, फूड पैकेट्स हम प्रोवाइड करा रहे हैं। नगर परिषद के थ्रू हमने एक इंदिरा रसोई प्रोजेक्ट हम चला रहे हैं, जिसके अंदर हम प्रतिदिन लगभग 200 से 250 फूड पैकेट्स सुबह और शाम मिला के नगर परिषद को प्रोवाइड कराते हैं, जो ESIC हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, अग्रवाल धर्मशाला, पुलिस चौकी, पुलिस नाकों के ऊपर, जहाँ जहाँ हमारे RAC के जवान, जितने भी हमारे कोरोना योद्धा हैं, जिन जिनको हम फूड पॉकेट पहुँचा सकते हैं,
नगर परिषद के माध्यम से फूड पैकेट पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा जो परिवार घरों में संक्रमित हैं और घरों में होम क्वारंटाइन हैं, उनको भी लॉयंस क्लब भिवाड़ी सिटी घर पे उनके जितने भी मेंबर्स हैं उसके अकॉर्डिंगली सुबह और शाम दोनों टाइम लंच और डिनर। वहीं पदमपुर में लॉकडाउन के तहत नगर पालिका प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। अनारकली बाजार में एक दुकानदार पर कार्रवाई करते हुए उसके जनरल स्टोर को सीज कर दिया गया। वहीं इस कार्रवाई से अनारकली बाजार में बड़ी संख्या में व्यापारियों ने जमा होकर प्रदर्शन भी किया, प्रशासन का विरोध भी जताया, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। लोगों का कहना था कि हम कोरोना महामारी के प्रकोप से नहीं बल्कि प्रशासन की टेंशन से घर पर अपना संतुलन खो बैठेंगे। साथ ही उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रभावशाली लोगों के लिए तो कोई नियम नहीं होते, जबकि प्रशासन की कार्रवाई से मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार आर्थिक रूप से पूरी तरह से टूट रहे हैं। वहीं बीकानेर शिवबाड़ी मठ के महंत और लाखों अनुयायियों के गुरु संवित सोमगिरी महाराज का मंगलवार की रात निधन हो गया। पिछले दिनों दरअसल उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। बीकानेर के अलावा माउंट आबू में भी उनका एक मठ चल रहा है। मूल रूप से इंजीनियर संवित सोमगिरी महाराज बीकानेर में आम सनातनी के लिए आस्था का केंद्र रहे हैं। देश भर में गीता ग्रंथ के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए उन्होंने अनूठा काम भी किया। बता दें आपको कि पिछले दिनों बीमार होने पर उनका एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उपचार चल रहा था, जहां उनकी तबीयत में कुछ सुधार नहीं हुआ, उनकी हालत बिगड़ती चली गई। तमाम कोशिशों के बावजूद महाराज को बचाया नहीं जा सका। उनके अनुयायियों समेत देश भर के कई संगठनों की तरफ से उनके निधन पर दुख व्यक्त किया गया है। बीकानेर के मंदिरों मठों और आश्रमों के महंतों पुजारियों की ओर से भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। वहीं उदयपुर के धरियावद से बीजेपी विधायक गौतम लाल मीणा का आज कोरोना के चलते निधन हो गया। मीणा ने एमबी अस्पताल में सुबह 9 बजे अंतिम सांस ली। पिछले कुछ दिनों से मीणा का यहां पर सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में दरअसल ट्रीटमेंट चल रहा था। 3 दिन पहले तबीयत उनकी ज्यादा खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया गया था। गौतम लाल मीणा प्रतापगढ़ जिले के धरियावद विधानसभा सीट से विधायक थे। वहीं राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने भी विधायक के निधन पर दुख व्यक्त किया। चलिए इसी के साथ राजस्थान की अहम खबरों में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहें जनतंत्र टीवी के साथ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।